हर हर महादेव। आप सभी को ढेर सारा प्यार, ढेर सारी ब्लेसिंग्स, लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव आप सभी को। आज हम देखेंगे आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है और उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए, उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा एंड आपके लिए एंजल गाइडेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। माँ पिताजी, ये वीडियो जो भी देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज उनकी तरफ से क्या है? हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, प्लीज बताइए। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, द सन, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, मैं थोड़े कार्ड निकाल रही हूं। ओके, काफी हद तक क्लैरिफाई हो गया। अगर आपके पार्टनर ने आपको फाइनेंशियल रीजन की वजह से छोड़ा, आपसे मूव ऑन किया, आपको छोड़ दिया, आपका दिल तोड़ दिया, तो वो लोग रिटर्न आ रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा इमोशनल है। ऑफ कोर्स डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी उनका काम भी हो सकता है, मेल फीमेल जो भी आपके पार्टनर, फैमिली हो सकती है, काम हो सकता है, ठीक है। बहुत ज्यादा इमोशनल है, एक्शन तो आपकी तरफ होने वाला है बिकॉज वो आपसे प्यार करते हैं, उनका इंट्यूशन उन्हें गाइड कर रहा है आपकी तरफ आने के लिए एंड वो आएंगे, बहुत जल्द आएंगे क्योंकि वो आपको उनके लिए परफेक्ट समझते हैं। लाइक बोलते ना कि आप परफेक्ट मैरिज मटेरियल हो उनके लिए। अगर पास्ट में उन्होंने अपने ईगो या किसी के कहने की वजह से आपको छोड़ा या जो भी रीजन की वजह से आपको इग्नोर किया, वो काफी हद तक बैलेंस्ड है, ग्राउंडेड महसूस कर रहे हैं और वो रिटर्न आना चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। तो ये थी उनकी आज की एनर्जीज। अब हम देखेंगे उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। लॉयल तो है, वैसे ही आ गया, शफल कर रही थी। ये वीडियो जो भी देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या है, प्लीज बताइए। ओके, ट्रैवलिंग एंड डेटिंग, न्यू बिगनिंग, डिवाइन टाइमिंग, मेजर चेंजेस, ब्यूटिफुल, प्रेगनेंसी को भी हम लोग न्यू बर्थ की तरह ही काउंट करेंगे। एक न्यू जर्नी आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रही है। आपके पार्टनर, अगर आप लोगों को 555 दिख रहा है तो आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस होने वाले, मेजर, या 10-10 भी दिख रहा होगा, यहाँ पे 888 भी दिख रहा होगा, 717 दिख रहा होगा। सो आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस होने वाले हैं, मुझे आई मीन 111 भी लग रहा है। टू फोर टू, 561,
808, ये सारे नंबर्स भी आपको दिख रहे हैं ना, तो एक न्यू बिगनिंग होने वाला है आपकी लाइफ में, क्योंकि आपके लिए डिवाइन टाइमिंग बहुत नजदीक है. एंड आपका डिवाइन टाइमिंग इज अ न्यू बिगनिंग विथ योर पार्टनर, विथ अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग एंड डेटिंग. एक न्यू बर्थ होने वाला है आपका. आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं एंड वो रिटर्न डेफिनेटली आना चाहते हैं आपकी लाइफ में. यस, आपको जो आंसर्स का वेट कर रहे हो वो आंसर्स आपको बहुत जल्द मिलने वाले हैं. सो आप हार मत मानिए, ठीक है. मिरर सेल्फ, यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं. सो अगर आप लोगों को ये लगता है कि ये रिश्ता सब खत्म हो गया है, आपके पार्टनर वापस नहीं आने वाले, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, वो रिटर्न आएंगे. सो डोंट फॉरगेट टू क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जीज. चलिए नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं आपके पार्टनर्स का. माँ पिताजी जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ क्या होगा प्लीज बताइए. ओके, ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस, 5 नंबर. प्रोस्पेरिटी बिगिंस, थ्रोट चक्र, अगेन 5 नंबर. फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, 4 ऑफ वॉन्ड्स. कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, 5 नंबर. एंड डेस्टिनी, ब्यूटिफुल. एंड बॉटम की एनर्जी इज हार्मनी. सो यहाँ पे जैसे मैंने बोला था, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को 555, 555, 555 दिख रहा है. यहाँ पे 55 आ गया, तो दिस इज अ कंफर्मेशन बाय डिवाइन के आप राइट पाथ पे हो और आपके पार्टनर्स रिटर्न आएंगे. किसी के जल्दी आएंगे, किसी के टाइम लग जाएगा, बट आएंगे जरूर, मेल फीमेल जो भी है, ठीक है. एक न्यू बिगनिंग के साथ प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, एस ऑफ पेंटिकल्स, एक कमिटमेंट के साथ आएंगे आपकी लाइफ में. 4 ऑफ वॉन्ड्स, ट्विन फ्लेम जर्नी, सोलमेट जर्नी, एक फर्म फाउंडेशन की तरह आएंगे आपको प्यार का प्रपोजल देने, आपसे शादी करने. बिकॉज ये डेस्टिनी में लिखा था और आपके पार्टनर आपके ट्रू डिवाइन सोल है, डिवाइन पार्टनर है, डिवाइन काउंटर पार्ट है, और वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं. और ये आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आपके पार्टनर के साथ आपकी शादी होगी. सो क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जीज, हर हर महादेव, क्लेम इट, हर हर महादेव. चलिए अब एंजल गाइडेंस देखते हैं आपके लिए. ये वीडियो जिसके सामने भी है उनकी करंटली, उनके लिए एंजल गाइडेंस क्या है प्लीज बताएं. हर हर महादेव, जय माता दी, आर्कएंजल माइकल, प्लीज गाइड अस, व्हाट इज द मैसेज फॉर देम. ओके, नो नीड टू वरी एंड अ बिग यस आपके लिए, यस आया है. सो आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, सब कुछ सही होगा आपके लिए. रिकवरी, आपका रिश्ता बहुत जल्द रिकवर होगा, आपको कोई चीज के लिए डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है. लास्ट कार्ड, गेट मोर इन्फॉर्मेशन. आपको ये बोला जा रहा है आपके पार्टनर के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेकर आए, एंड आपको ये भी बोला जा रहा है कि रिमेन पॉजिटिव,
आप पॉजिटिव सोचे, जितना ज्यादा नेगेटिव सोचोगे उतना ही आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करोगे. सो क्लेम दिस पॉजिटिविटी विद अ वेरी बिग यस. सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो. अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज लाइक द वीडियो, हिट द सब्सक्राइब बटन अगर नहीं किया है तो, एंड बेल आइकन भी जरूर हिट कीजिएगा. एंड प्लीज कमेंट में जरूर लिखिए आपको क्या क्या रेजोनेट हुआ और आपको ये वीडियो कैसा लगा और मैं कैसे और इम्प्रोवाइज कर सकती हूँ. आप सभी को ढेर सारा प्यार, ढेर सारी पॉजिटिविटी. हर हर महादेव, हर हर महादेव. थैंक यू.